आपने स्टील मिल जद्दा में लगाई, बता दें कि किधर से आया पैसा, मेहरबानी करें आवाम को बता दें, तो बता दें लोगों को कि ये पैसा कौन सी आमदनी है, क्योंकि टैक्स रिटर्न्स में तो मुझे नहीं नजर आ रहा ना आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है, आप 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए, मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ है। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सना, ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए, जिस तरह का पेपर ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, कोर्ट वाले तो उसको उठा के पहले जब गति की टोकरी में फेंकेंगे। नवाज शरीफ, क्या आप में चैलेंज लेने की जरूरत है कि आप डिक्लेयर करें कि आपके असासे कितने हैं, आपके बच्चों के असासे कितने हैं, किन किन कंपनीज के नाम पे आपने क्या क्या खरीदा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप अगर अपने और अपने बच्चों के असासे डिक्लेयर कर देते हैं, मैं धरना छोड़ के चला जाता हूँ। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज कहाँ से निकाल के आए हैं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनको होल्ड कर मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जी, कहाँ से निकाल के आए हैं। हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीक भी किस्सा परीना बन जाना है, ये आवामी इशू नहीं है। यानी बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है तो लोग भूल जाएंगे। और शरीफ खानदान पाकिस्तानी बच्चों को भी गुमराह करता रहा कि बच्चों करप्शन होती है, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं। ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। लेकिन इनका मुकाबला था पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के खान मर्दे बोहरान इमरान खान से। ऐसा ये लोग भूल जाएंगे, और ख्वाजा आसिफ ना ये लोग भूलने लगे हैं और ना इमरान खान इनको भूलने देगा। कोई ये ना समझे हम डर जाएंगे, इंसाफ लिए बिन नहीं घर जाएंगे। बड़ा लंबा सफर तय करना है, ये फैसला कुल बात है पाकिस्तान में। हम सड़कों पे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इन डाकों की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, यहाँ कर्जों में डूब रहे हैं। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। और पठान आदमी जो है ना, वो अपने वादे का बड़ा पक्का होता है। मियां जी उठो, अब कुछ करो, इतनी बेशर्मी। कुछ करो, कुर्सी को बचाने की खातिर इज्जत का फलूदा बनाना। क्या मियां जी उठो,
अब कुछ करो। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। निकाला मुझे, क्यों निकाला? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन एलिगेशन। तब्दीली नहीं रही, तब्दीलियां